नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ अग्नि कर्म हमें क्यों करवाना चाहिए एंड हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है पेन पे। तो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अग्नि कर्म के इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दिया था कि अग्नि कर्म क्या होता है और कौन से प्रॉब्लम्स में हम अग्नि कर्म चिकित्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा अग्निकर्म के पैटर्न्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो अग्निकर्म की पिछली वीडियो थी। तो अभी हम बात करेंगे कि अग्निकर्म क्यों करवाना चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहला तो ये सेफ़ होता है, इसमें कोई कट नहीं लगते आपकी बॉडी में, कोई सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा कुछ कहीं पे मतलब कुछ आपकी बॉडी में नहीं डाला जाता, ना कि आपकी बॉडी से कुछ निकाला जाता है। तो इट्स अ सेफ़ प्रोसीजर। और दूसरा कि इसमें कोई पेन नहीं होता, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर ऑल्सो। इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द आपको अनुभव नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता? अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि हम अगर अग्नि कोई गर्म चीज़ है, हम उसको आपकी बॉडी से टच कर रहे हैं, तो आपको पेन क्यों नहीं होता? तो देखिए, जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी जैसे मान लीजिए हम किसी भी उसमें कर रहे हैं जहाँ पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। जब तक पेन होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है आपको, तो वहाँ पे सेंसेशन ऑलमोस्ट नहीं होती है। इसीलिए हम उसी स्पेसिफिकली एरिया में अगर हम कोई चीज़ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होता है। जैसे कि पाद कंटक की हम बात करें, कॉर्न की बात करें, तो उसको अगर हम जलाते हैं, उसको हम जब वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है उस इफ़ेक्टेड एरिया में, तो वहाँ पे तो सेंसेशन नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको पेन नहीं होता है। तो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। इसके अलावा इसका कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। फोर्थ, इसमें पेशेंट को यहाँ पे स्टे करने की नीड नहीं होती है, यानी आप कहीं पे भी अगर आप हमारे यहाँ भी करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टे करने की नीड नहीं होती है। आप आराम से अपना विद इन वन आवर आप अपने बैक टू होम यानी अपने घर जा सकते हैं। जो ये प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट ये 15-20 मिनट्स का ही होता है और पेशेंट उसके बाद अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप जब प्रोसीजर करवा रहे हैं तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से करा रहे हैं और सही तरीके से करवा रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये इसलिए भी इफ़ेक्टिव है और आपको इसको करवाना चाहिए। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की किसी मेडिसिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी टाइप का ड्रग्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया कि कोई मेडिसिन नहीं डाली जाती है, कुछ आपकी बॉडी में कट नहीं लगाया जाता, तो इसलिए भी ये सेफ़ है। दूसरा, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, यानी आपको कहीं भी पेन है, आपके टेंडन्स लिगामेंट्स कहीं पर भी पेन है आपके मसल्स में, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि क्यों कराना चाहिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ऑन एन एवरेज 10-15 डेज में पेशेंट को खुद फील होने लग जाता है। तो इसीलिए आपको ये अग्निकर्म जरूर करवाना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो सी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेन जो होता है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी में एबनॉर्मल वात बैलेंस, यानी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वात की जो वात दोष है आपकी बॉडी में, उसका इम्बैलेंस हो गया है, इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। और जब पेन हो रहा है तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है क्या कि आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है उस एरिया का, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। और एक और रीज़न हो सकता है पेन का कि आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। तो यहाँ पे अग्नि कर्म कैसे हेल्प करता है। सी, अगर हम अग्नि ट्रांसफ़र करते हैं, यानी सबसे पहले हीट हमने ट्रांसफ़र करी टू द स्किन, हमारी जो स्किन में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, यहाँ के जो चैनल्स हैं, जो पोर्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं, यानी जो हीट है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है हमारी स्किन पे, और स्किन के थ्रू फिर जहाँ पे पेन, जिस एरिया में पेन है वहाँ तक जा रही है। स्ट्रोतस यानी जो वहाँ के चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से अगर पेन हो रहा है, इफ़ इन्फेक्शन इज़ देयर, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कम होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे इस एरिया में दर्द है, तो मैंने हीट यहाँ पे अग्निकर्म मैं करवा रही हूँ, तो यहाँ पे हीट पहले मेरी स्किन में ट्रांसफ़र हो रही है, तो स्किन में ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के जो स्त्रोतस है, जो यहाँ के चैनल्स हैं, वो ओपन हो गए,
तो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद यहाँ का जो अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो वो कम हो जाएगा, और हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है तो जो यहाँ की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, मसल्स रिलैक्स हो रही हैं तो आपको पेन में ऑटोमेटिकली आराम हो जाता है। तो अगर कहीं पे भी वात की वजह से पेन हो रहा है, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि जहाँ पेन हो रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वात की इन्वॉल्वमेंट है, वात इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो फिर आपको अग्निकर्म ज़रूर करवाना चाहिए। तो इसीलिए जैसा मैंने ये जो एक मैंने फ्लो चार्ट बताया है, इस फ्लो चार्ट में आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है, कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है स्किन में तो चैनल्स ओपन हो रहे हैं, चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है तो आपका अगर इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो रही हैं तो जो आपका पेन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे अग्निकर्म अपना कार्य करता है पेन पे। और इंडिकेशंस मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, बाकी इन शॉर्ट यहाँ भी बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का पेन है, जैसे आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको नेक पेन है, आपको शोल्डर पेन है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर आपका पोस्ट फ्रैक्चर पेन हो रहा है, तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अग्निकर्म बहुत इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट लाइक कोई स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कहीं पे स्किन एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ हो गई, या अगर किसी को किसी प्रकार का लीजन है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है ये। तो अगर आपको अग्निकर्म करवाना है तो आप हमारे यहाँ से करवा सकते हैं, हमारे सेंटर पे अग्निकर्म चिकित्सा की जाती है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।